डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक खुशी आपसे साझा करना चाहते हैं, वो यह कि अब दृष्टि आईएएस पूरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार बन गया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष पद की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर या लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद बीते लगभग 4 वर्षों से खाली है। चलिए जानते हैं डिप्टी स्पीकर पद के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अध्यक्ष का चुनाव होने के ठीक बाद लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इसके चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है, जबकि अध्यक्ष के चुनाव की तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि लोकसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव की समय सीमा और नियम क्या हैं। आमतौर पर डिप्टी स्पीकर का चुनाव दूसरे सत्र में होता है, हालांकि इस चुनाव को भी नई लोकसभा या विधानसभा के पहले सत्र में कराने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव आमतौर पर वास्तविक और अपरिहार्य बाधाओं के बिना दूसरे सत्र से अधिक विलंबित नहीं होता है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की नियम संख्या 8 द्वारा कराया जाता है। अब बात कार्यकाल और पदमुक्ति की। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा के कार्यकाल तक अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। डिप्टी स्पीकर निम्नलिखित में से 3 मामलों में से किसी भी मामले में पहले अपना पद छोड़ सकता है। ये स्थितियाँ हैं, पहला यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, दूसरा यदि वह अध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र देता है, और तीसरा यदि उसे लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। आपको बता दें ऐसा संकल्प 14 दिन की अग्रिम सूचना के बाद ही पेश किया जा सकता है। और आखिर में बात डेप्यूटी स्पीकर के पद से जुड़े कर्तव्य और शक्तियों की। संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यकाल के रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है। वह लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में स्पीकर के अनुपस्थित रहने पर बैठक की अध्यक्षता करता है। जब भी उसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसके चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। कथन दो है, जब भी उसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।